नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेशन स्पीक्स और नेशन स्पीक्स पे आपका पसंदीदा शो हैप्पी मॉर्निंग विद किरण आनंद। 8 बजे हर रोज सुबह आपको हैप्पी मॉर्निंग करने किरण जी खुद आती हैं और आजकल तो आपको ये बता रहे हैं कि आपका 2023 कैसा रहने वाला है। सभी हमको कब बता दिया, मैं तो रोज वेट कर रहा था मेरा नंबर कब आएगा। अब जाके मेरा नंबर आया, यानी कि 9 नंबर वाले। अगर आप भी हैं तो खुश हो जाइए, आज मुझे भी सुनने को मिलेगा अच्छा अच्छा और आपको भी सुनने को मिलेगा। सबसे पहले किरण जी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है किरण। नमस्कार रोहित जी। बिग स्माइल, क्योंकि मेरी भी आपके भी, क्योंकि आज 9 नंबर जो है वो मेरा भी नंबर है जी। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, तो सबसे पहले तो आप ये बता दें कि 9 मूलांक किन किन का है। देखिए, जो आज ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और मूलांक के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं उन्हें बताऊं कि मूलांक क्या होता है। अगर आपने किसी भी महीने की 9, 18 या 27 इन डेट्स में बर्थ लिया है तो आपका मूलांक 9 होगा। अब 9 कैसे होगा, 18 अगर आपका है ना, 1+8=9, तो 9 को अगर सिंगल डिजिट पे जब हम उस नंबर को लेके आते हैं वो उसका मूलांक बन जाता है। तो 9 तो सिंगल 9 है, वो 9 ही रहेगा। इसी तरह 27 जो शायद आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो 2+7=9, तो आपका मूलांक 9 हुआ जी। तो जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं होता, यानी कि उनके पास टाइम नहीं है, हॉरोस्कोप उनकी कुंडली हम लोग एग्जैक्ट निकाल नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं कि मूलांक के अकॉर्डिंगली उनका न्यूमेरो चार्ट बनता है और उसमें उनकी पूरी प्रेडिक्शंस होती हैं। ठीक, जैसे बर्थ चार्ट होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम मूलांक के बारे में उनके नेचर, उनका स्वभाव, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो ये बहुत डिटेल में चली जाएगी, क्योंकि बहुत सी बातें हैं, बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम इनके बारे में बता सकते हैं। मैं चाहता हूं आज थोड़ा डिटेल में आप चले जाओ, आज 9 नंबर वालों का मसला है। देखिए, अगर आपने डिटेल में देखनी है तो मेरी वीडियोस ऑलरेडी इस पर बनी हुई हैं। मैंने बहुत माइन्यूटली डिस्कस किया हुआ है हर एक मूलांक को, हर एक नंबर को। तो 27 के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, 18 के ऊपर भी बनी हुई है और 9 के ऊपर भी बनी हुई है। अगर आपको देखनी है आप डिटेल में वहां देखिए। आज मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि ये लोग कैसे होते हैं। बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हिम्मती होते हैं। और अगर मंगल, क्योंकि 9 का जो रूलिंग प्लेनेट है वो है मार्स, मंगल, और ये साल है केतु का 2023। अगर हम 2+0+2+3 इनको ऐड करते हैं तो आता है 7 सिंगल डिजिट। तो 7 जो है वो डिनोट करता है केतु को, तो ये केतु प्रधान अंक है। तो ये मूलांक 9 वालों के लिए जिनका रूलिंग प्लेनेट मंगल है, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा या वो ये लोग कैसे होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल या न्यूमेरो चार्ट में अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है तो ये लोग बहुत हिम्मती होते हैं, थकते नहीं है, एनर्जेटिक, तो मैंने आपको बताया, ये बहुत दानवीर करण होते हैं, बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं लोगों के ऊपर, और कभी कभी बहुत गुस्से वाले भी होते हैं। वैसे तो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं 9, 18 और 27 की, मूलांक एक ही है लेकिन करेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो लेकिन अब हम इन तीनों की बात कर रहे हैं तो मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो गुस्सा तो ये करते ही है, बट एकदम से गुस्सा आता है और फिर थोड़ा शांत भी हो जाता है, लेकिन उस गुस्से में इनको पता नहीं चलता क्या करना है, कि क्या बोलना है और क्या करना है। तो अगर आपको ये साल 2023 अच्छे से निकालना है तो गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। चुप जी, बिल्कुल। चलिए, पर आज मैं चुप कर नहीं सकता क्योंकि आज मेरी सीट ऐसी है कि मुझे बातचीत करनी है, लेकिन गुस्सा मैं नहीं करूंगा, ये मैं पक्का कहता हूं। गुस्सा आ रहा है। चलिए, अब बात करते हैं हम 9 नंबर वालों के करैक्टरिस्टिक्स। तो आपने जान लिए यानी कि वो कैसे होते हैं, कैसे उनकी नेचर होती है, दानवीर भी बहुत होते हैं, मुझे तो अच्छी अच्छी बातें याद है। और अब बात करते हैं हेल्थ की, आखिर 9 नंबर वालों के लिए अच्छा कंपैटिबिलिटी इनकी केतु के साथ कैसी है। 9 नंबर वालों की फ्रेंडशिप है या न्यूट्रल है, या न्यूट्रल कह सकते हैं, न्यूट्रल एवरेज है कंपैटिबिलिटी इनकी। एस्ट्रोलॉजी तो एस्ट्रोलॉजी में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि अक्सर कहते हैं कि मंगल एंड केतु शायद एक जैसे होते हैं या कुछ ऐसा, मंगल कुछ ऐसा मैंने सुना है। बहुत सी बातें हैं जो हम लोग अब यहाँ डिटेल में वो चीज डिस्कस नहीं कर सकते, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं आपको बताऊं कि मंगल और केतु का ये साल है, आपको इस साल बहुत सावधानी के साथ चलना है। अगर आप अपनी हेल्थ की बात करते हैं
तो आपको इस साल फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर एंड नवंबर, ये जो आपके मैंने जो आपको ये मंथ्स बताए हैं जी, उसमें आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। गुस्सा कम करना है, क्योंकि गुस्सा आपका बीपी बढ़ा सकता है, माइंड से रिलेटेड आपको, ब्रेन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। ठीक है, केतु का ये साल है, आपको गुस्सा आए तो ठंडा पानी पी लीजिए। टू व्हीलर, फोर व्हीलर आपको संभाल कर चलाना है। ठीक है, ओवरऑल कोई बड़ी परेशानी मुझे इसमें नजर नहीं आ रही है। अगर आप पूरा अपना ध्यान रखेंगे, डॉक्टरी ट्रीटमेंट आप पूरा लेंगे, मेडिसिन अगर आपकी कोई पुरानी चल रही है, कोई पुरानी बीमारी है, तो आपने इग्नोर नहीं करनी उसको, आपने बहुत इजी वे में हर चीज को चलना है। और योगा एक्सरसाइज, क्योंकि नौ नंबर जो है वो बहुत एनर्जेटिक नंबर है, और ये लोग ना बहुत ज्यादा, ये लोग ना टिक कर नहीं बैठ सकते, इनको कुछ ना कुछ काम करना होता है। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या अगर आप इन चीजों से नहीं, अगर आप कुछ और फील्ड में हैं, तो इस साल आप जिम जरूर जाएं। आप वॉक करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ इस साल आपको अपने साथ रखना है। हेल्थ इज वेल्थ, आपको खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ी सी कमी पेशी आपके खाने में रह रही है, आप कभी कभी ओवर ईटिंग कर जाते हैं, या फिर आप बाहर का पार्टीज, हाँ पार्टीज में अगर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, फास्ट फूड और ये सब ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल आप ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, स्मोक करते हैं, तो उससे आपको थोड़ा बचना होगा। जी चलिए, खर्चा बढ़ा दिया इन्होंने मेरा, कहते हैं कि अब जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप भी नौ नंबर वाले हैं तो आप भी जरा ध्यान रखें, और जो जो मंथ बताए हैं उनमें थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब खर्चे की बात हुई, अब जब खर्चा बढ़ा है तो भाई पैसा तो चाहिए ना। चलिए अब उसी के विषय में पूछते हैं कि जॉब, बिजनेस, फाइनेंशियल कंडीशन, पैसा, इन सभी चीजों से रिलेटेड हमें, यानी कि नौ नंबर वालों को क्या मिलने वाला है, कैसा रहने वाला है। देखिए, जॉब, बिजनेस एंड फाइनेंशियल स्टेटस, ये क्योंकि केतु का साल है, और नौ नंबर वालों के लिए, नौ मूलांक वालों के लिए इस साल अगर ये जॉब में है तो जॉब स्विच कर सकते हैं, अगर बिजनेस में है तो न्यू वेंचर को स्टार्ट कर सकते हैं जी। लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचना है, राइट। ठीक है, और आपको फरवरी और अप्रैल इन मंथ में थोड़ा सा, अगर आप जॉब में या बिजनेस में हैं, तो इन्वेस्टमेंट मनी वाइज, या फिर अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा आप ये मंथ अवॉइड करें, फेब एंड अप्रैल, राइट जी। अदरवाइज ये साल मुझे इनके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब देखिए जॉब अच्छी चल रही है, बिजनेस अच्छी चल रही है, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल गेन तो होगा। अब फाइनेंशियल गेन होगा तो उसके साथ ये खर्चा भी बहुत ज्यादा करेंगे, तो फिजूल खर्ची से बचना है। आप इस साल जो है सेविंग्स कर सकते हैं, तो ये साल अच्छा है आपके लिए सेविंग्स कर। जी बिल्कुल, पैसा आएगा तभी तो सेविंग्स जी बिल्कुल, पैसा आएगा लेकिन उसको आपको फिजूल खर्ची में बर्बाद नहीं करना है जी। तो मेरा तो ये सजेशन है कि अगर आप मैरिड हैं तो पैसा कमा के वाइफ को दे दीजिए, नहीं है तो मम्मी को दे दीजिए, नहीं तो खर्चा होना तय है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, और ये अच्छी बात है कि नौ नंबर वालों के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब और प्रोफेशन सारा बहुत अच्छा है, फाइनेंसिस भी अच्छे हैं, बस ध्यान कब रखना है, फेब और अप्रैल में, वो हम रख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिनको पैसा सौंपने की बात आई है उनकी भी बात कर लेते हैं, यानी कि आपकी लव लाइफ, आपकी बेटर हाफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशन, नौ नंबर वाले यहाँ क्या है। देखिए नौ नंबर को क्योंकि मार्स रिप्रेजेंट करता है जी, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है जी। अब आप सोचिए कि लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में अगर आप एक्सेस में गुस्सा कर रहे हैं, बात बात पे चिढ़ रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो आपके पार्टनर को कैसा फील होगा। ये गुस्सा आपको अवॉइड करना है। अगर आप गुस्से को अवॉइड करते हैं, एक को गुस्सा आया दूसरा चुप कर जाए, लेकिन मेनली मैं आपको बोलूंगी कि इस साल आपका पार्टनर चुप नहीं रहेगा, गुस्से पे आपको ही कंट्रोल करना है, डबल खतरे की घंटी जी बिल्कुल। और एक चीज मैं आपको और इस मूलांक वालों को बोलूंगी कि अगर आप मैरिड हैं और इस साल मुझे जो एक चीज नजर आ रही है वो आप किसी थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं,
तो अगर इस तरह से कोई आपको, ये वार्निंग है आप मूलांक वालों के लिए, तो अगर ऐसा कुछ साइन आपको नजर आता है अपनी लाइफ में, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री आती है, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी मैरिड लाइफ के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इस साल आप उस थर्ड पर्सन, वो आपको डिच कर सकता है, आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। तो आपको इस तरह की किसी भी चीज को, एक किसी भी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में आने से आपको अवॉइड करना होगा। जी चलिए, एक और खतरे की घंटी। वैसे लव लाइफ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मतलब बेसिकली हमें चुप रहना है। ये जो अभी किरण जी ने एक बड़ा अच्छा टिप दिया है, मेरे को लगता है फॉरएवर ही टिप होता है वो सबके लिए, खासकर लड़कों के लिए, कि एक चुप 100 सुख। और वो सुख तभी मिलेगा 2023 में अगर चुप रहेंगे। ऐसे बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। और एक जो मेन पॉइंट उन्होंने बोला कि पति पत्नी और वो जो वो है ना, वो उसको डिलीट कर देना, नहीं तो पंगा हो जाएगा। चलिए, अब आपने ये भी बता दिया सब कुछ, अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब 9 नंबर वालों के लिए आप क्या खास बता दें? अब हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, एजुकेशन तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ओवरऑल ये साल अच्छा है। इस साल जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं, वो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो वहां पर मेरा उनको एक सजेशन है, पेरेंट्स के लिए खासकर, कि आप उनको इन एक्टिविटीज में सपोर्ट करें। लेकिन बच्चों के लिए एक एडवाइस ये है कि स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान आप देंगे और पढ़ाई को अवॉइड करेंगे, स्टडीज को अवॉइड करेंगे, तो वो गलत होगा। तो आप लोगों को दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, बट स्टडीज को पूरा प्रॉपर टाइम देना है, उसको अवॉइड नहीं करनी। और इसमें पेरेंट्स को मेन रोल निभाना पड़ेगा। अगर आप बाहर अब्रॉड स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, तो ये साल अच्छा है, आपके चांसेस अच्छे लग रहे हैं। 9 नंबर वाले क्योंकि एनर्जेटिक होते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन ज्यादा इसी अंक से निकलते हैं, तो आपको लगता है कि उधर ज्यादा ध्यान बच्चों का जाने वाला है। जी, लेकिन उसे पेरेंट्स को बैलेंस करवाना है। जी बिल्कुल, और बाहर के लिए भी अच्छा है। जी चलिए, कुल मिला के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है ये साल बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में ध्यान दीजिए। अब 9 नंबर वाले कहाँ टिक के बैठने वाले, ये मंगल का है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि उसमें कहीं स्टडीज इग्नोर ना हो जाए। और मुझे लगता है उसमें पेरेंट्स जो है बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं, प्रॉपर टाइम खेलने का भी दें और फिर कान पकड़ के बिठा दें। चलिए, सब कुछ हो गया, कुछ 9 नंबर का छूटा तो नहीं है अभी? जी आई थिंक तो सब कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। अब आपने हमें ये बताना है कि हमने जो 2023 में कौन सा हेलमेट ऐसा पहनना है जिससे हमारा बचाव हो सके, रेमेडीज। देखिए रोहित जी, अगर हम मूलांक 9 वालों के लिए इस साल 2023 में उपायों की बात करते हैं, तो मंगल प्रधान अंक है और ये साल केतु को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, जी। तो इस साल आप हनुमान जी के चरण पकड़ लें। हनुमान चालीसा का पाठ आपको डेली रेगुलर करना है, और अगर हो सके तो आप सुंदरकांड का पाठ महीने में एक बार जरूर करें। देखिए, अब नॉर्मली मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि जी सुंदरकांड का पाठ बहुत लंबा है, हम इतनी देर बैठकर उसे नहीं कर सकते, हर कोई अपनी लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में बिजी है, इतना टाइम स्पेयर नहीं कर सकता। तो मेरा ये कहना है कि आप कहीं पर भी, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कहीं पर भी इसे सुन भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बुक खोल के बैठ के उसको पूरा पढ़ना है, टाइम उतना निकालना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप उसे बैठ के पढ़ लें। अब रोहित जी, मेरी एक अपनी एक अवधारणा है, मेरी मानना है ये कि आपको जो भी मैं रेमेडीज ये बताती हूँ, उपाय बताती हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आपको डेली, अगर आपकी लाइफ में कुछ अप डाउन चल रहे हैं या शो हो रहे हैं और आप बहुत बिजी शेड्यूल वाले हैं, जॉब में या बिजनेस में बहुत वर्कलोड है आपके ऊपर, तो आप इतना टाइम स्पेयर नहीं कर सकते कि आप मंदिर में जाएं, घंटियां बजाएं या पूजा पाठ करें, इतना टाइम स्पेयर करें। लेकिन मन में श्रद्धा का भाव अच्छा होना चाहिए। अगर आप 5 मिनट भी निकाल लेते हैं ना पूजा के लिए या किसी मंत्र के चैंट के लिए, तो वो भी सफिशिएंट है। तो इस साल मूलांक 9 वालों को यही करना है। इसके साथ साथ हनुमान जी को आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा मंदिर में मंगलवार या शनिवार, वैसे मैं कहूंगी कि आप मंगलवार करें इसको, आप वो दान कर सकते हैं हनुमान जी के नाम का। आप हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप कर सकते हैं। इसके साथ राम नाम का चोला वो आता है और वो आपको उनको चढ़ाना है। गुस्सा आपको कम रखना है इस साल, ये उपाय खासकर मूलांक 9 वालों के लिए हैं। और एक चीज मैं और बोलूंगी कि अगर ये हर 6 महीने के बाद ब्लड
डोनेट करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप मेरा इशारा समझिए कि मैंने ये उपाय क्यों बताया है। एक तो ब्लड डोनेट करना, वो ब्लड जो जाएगा एक अच्छे कॉज के लिए जाएगा, और जो मुझे मैंने जो हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बताई हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर आराम से चलाना है, वो ऑटोमेटिकली पहले डोनेट हो गया जी, तो ये जो आपको है ये आपको रेमेडीज पूरे साल करनी है। छोटे बच्चे हैं तो आप उनको हनुमान चालीसा उनको यूट्यूब पे लगा दीजिए, या कहीं पर भी आपके घर में कोई डिवाइस है ऐसा आप वहां चला दीजिए, तो बच्चों को आप याद करवा दीजिए हनुमान चालीसा, रूटीन बना दीजिए उनका कि उनको वो पढ़ना ही पढ़ना है। और देखिए पेरेंट्स खुद करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे उनको देखकर तो अपने आप ही करेंगे जी। और घर में एक चीज और कि घर में आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन में रेड कलर के फ्लावर्स जी, ये वास्तु के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और इन नौ मूलांक वालों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेंगे। तो किसी भी आप मिट्टी के पॉट में आप रेड कलर के फ्लावर्स वहां पे जरूर लगाएं साउथ जी। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, बहुत मैं ध्यान से सुन रहा था क्योंकि मुझे हर रेमेडी खुद करनी भी है। बहुत सारी चीजें किरण जी ने बताई हैं नौ नंबर वाले के लिए, और सबसे उसमें से मुझे जो इजी और लगी वो ये थी कि बस आप हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए, क्योंकि हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कवन सुकाज कठिन जगमन, जो नहीं होता तात तो ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते जी, तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। मिलेंगे आपसे फिर 1 जनवरी से, मैंने बताया ना एक रेगुलर शो हैप्पी मॉर्निंग विद किरण आनंद, उसमें आपका डेली का जो हॉरोस्कोप है या आप क्या होने वाला है अंक पे आधारित होगा, और बहुत सारी रेमेडीज चीजें बहुत सारे आपको मार्गदर्शन जो है वो किरण जी का मिलने वाला है। इसके अलावा आपको लगता है कि मुझे तो यार अपने बारे में पूछना था, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, तो लगातार स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और किरण जी से मिल भी सकते हैं। और नेशन स्पीक्स पे बहुत सारी न्यूज अपडेट लाइव के लिए लगातार आप जुड़े भी रहिए। आप सब लोगों का दिन बहुत बहुत सुखद और खुश रहे। दीजिए इजाजत।